अभी मोदी जी का 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में और जनसंपर्क अभियान चल रहा है, लोगों को गांव-गांव में जाके और मोदी जी के विकास कार्यों के बारे में अवगत करा रहे हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने उसके लिए सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों का और आने वाले समय में जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है उसके लिए बताते हुए घूम रहा हूँ, जिसमें अपार सफलता मिल रही है। पूरे गांव के गांव, खेती किसानी का दिन होने के बावजूद भी जिस गांव में हम जाते हैं पूरे गांव के लोग उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग त्रस्त हो गए हैं कि अभी के जो वर्तमान विधायक हैं कभी किसी गांव में आते भी नहीं, न जाते भी नहीं, और उनका जो निष्क्रियता है उसको देख के परिवर्तन की लहर पूरे क्षेत्र में बह रही है। सर, कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीजेपी की पहली सूची जारी की गई है, जिसमें सराईपाली से सरला कोसरिया जी का नाम सामने आया है। बसना में आपको किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं? क्या है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं बसना विधानसभा में आपकी की चर्चा बहुत चल रही है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, यदि पार्टी ने आशीर्वाद दिया और यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो पार्टी के साथ में और यहाँ की तरक्की और विकास का काम करेंगे। प्रमुख नाम परिचय बताएंगे। मेरा नाम त्रिलोचन प्रधान है, मैं ग्राम परसकुल में रहता हूँ। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव किनका माहौल चल रहा है? अभी जो है ना, हर जगह जहाँ भी देखेंगे संपत अग्रवाल जी ऐसा लोग बोल रहे हैं और सुनिश्चित है कि इस साल संपत अग्रवाल जो है वो विजय हासिल करेंगे। अच्छा, क्या उनको पार्टी टिकट देगी? पार्टी टिकट देगी तो ज़्यादा ठीक है, पार्टी टिकट नहीं देगी फिर भी जो है ना संपत अग्रवाल को इस जगह पर लाना बहुत आवश्यक है। अच्छा, वर्तमान विधायक के संबंध में क्या कहना है, क्या वो जनसंपर्क में है? हाँ, वर्तमान विधायक जो है 5 साल उनके कार्यकाल होने जा रहा है, अभी भी ये आसपास के परसकुल की बात छोड़िए, आसपास 10 गांव में भी जो है ना कभी भी विधायक मोदी नहीं आए हैं और न आएंगे। अच्छा, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि यहाँ पे संपत अग्रवाल जी को बसना विधानसभा का विधायक बनाना जरूरी है, जरूरी है, हाँ। तो ऐसी क्या खास वजह देखते हैं आप उनमें जो आप चाहते हैं कि उनको ही विधायक बनना चाहिए? मैंने उनकी सेवा भावना को देख करके, उनने जो सेवा करते आ रहे हैं और जो सेवा कर रहे हैं और जो जन जन संपर्क जैसे कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और हम चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगा, ये चाहे नाराज हो चाहे कुछ भी हो, टिकट मिले तो ठीक, न मिले तो ज़्यादा ठीक, लेकिन इनको विधायक बनाना जरूरी है। क्या करें भाई, पार्टी यदि टिकट नहीं देगी तो हम समझेंगे बसना के लिए जो है ना करने का मतलब ये अच्छी बात नहीं होगी, ये पार्टी वालों का बहुत बड़ा दोष होगा। जो एक सच्चे कार्यकर्ता है, जो कहने का मतलब जनता की सेवा कर रहा है, उसको टिकट से वंचित करना मतलब यहाँ पार्टी जो डूब जाएगी। संपत अग्रवाल जी के अलावा और किसी का नाम दिखता है आपको बीजेपी में जो किसी संपर्क में है? किसी का नाम भी दिखे वो सब संपत अग्रवाल के सामने बौने हैं।